नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर आगे स्थगित हो गया है और इस दौरान विद्यालय भी बंद है, इसलिए न्यू ज्योति बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल संगर की तरफ से प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान संत राम जी सेतिया के मार्गदर्शन में गणित विषय की ऑनलाइन क्लासेज शुरू की जा रही हैं। इस कड़ी में सबसे पहले हम करेंगे 17वीं प्रश्नावली में 17.2 का प्रश्न नंबर 8, जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमें बारंबारताएं दी हुई हैं, प्रेक्षण दिया हुआ है और दो अज्ञात बारंबारताएं जो कि नहीं दी हुई हैं उनको ज्ञात करना है। प्रेक्षण दिए हुए हैं एक्स आई का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 और बारंबारताएं 46 दी हुई है। इसके बाद में अज्ञात बारंबारता x मान लेते हैं, दूसरी अज्ञात बारंबारता y मान लेते हैं, फिर 25, 10 और 5 और ये दिया हुआ है कि इन सभी बारंबारताओं का योग है 200। तो सबसे पहले बारंबारताओं का योग बराबर 200 दिया हुआ है। बारंबारताओं में सबसे पहले 46, फिर x, y, 25, 10 और 5 बराबर 200। तो x और y नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि x और y चर राशि है और बाकी अचर राशियां हैं। तो x प्लस वाई सीधा वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 25 और 5 30, 30 और 10 40, 40 और 46 86 बराबर 200 वैसे का वैसे। x प्लस वाई 86 प्लस का है तो दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 114। ये बन गए समीकरण नंबर 1। इसके बाद में प्रश्न करना शुरू करते हैं। जैसा माध्य के लिए सामान्यता किया जाता है, Fi को Xi के मान से गुणा करना है, Xi के मान को Fi के मान से गुणा करना है। तो 0 × 46, 0, 1 × x, x, 2 × y, 2y, 25 × 3, 75, 10 × 4, 40, 5 × 5, 25। अब सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 200, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान ज्ञात करते हैं। सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर आ जाएगा, x चर राशि है इसमें नहीं जुड़ सकती, 2y भी अलग से लिख लेते हैं, प्लस बाकी सभी संख्याएं जुड़ जाएंगी, 25 और 75 100 और 40 140। अब माध्य हमें दिया हुआ है 1.46। माध्य ज्ञात करने के सूत्र से हल करते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। माध्य जो कि दिया हुआ है 1.46 बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान सीधा देख के यहां से लिखना है, एक्स प्लस 2y प्लस 140, एक्स प्लस 2y प्लस 140 बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई बारंबारताओं का योग दिया हुआ है 200, 200 इस दर बट्टा में है तो दूसरी तरफ आके गुणा में आ जाएगा, 1.46 गुणा 200 बराबर x प्लस 2y प्लस 140 वैसे का वैसे ही। अब पॉइंट हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो अंक हैं इसलिए बट्टा में आ जाएगा 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी, दो का गुणा करते हैं 146 से, 2 × 6 = 12, हंसल 1, 2 × 4 = 8 और 1 × 9, 2 × 1 = 2 बराबर x प्लस 2y प्लस 140। 140 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, 292 माइनस 140 बराबर x प्लस 2y। 292 में से 140 घटाएंगे, 2 माइनस 0 बचेगा 2, 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 5 और 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 बराबर x प्लस 2y। तो x प्लस 2y बराबर 152 समीकरण नंबर 2। अब आगे हल करने के लिए हमारे पास दो अज्ञात मान हैं x और y और दो समीकरणें भी है। समीकरण नंबर 1 पहले बारंबारताओं के योग से बनाई थी और समीकरण नंबर 2 x प्लस 2y बराबर 152। अब इसके बाद समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो x प्लस
2y बराबर 152। और समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 114। घटाते हैं तो नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 2y में से एक y घटाएंगे, y बराबर 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, इधर बचेगा 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, y बराबर 38, यानी दूसरी जो अज्ञात बारंबारता थी उसका मान है 38। अब मान ज्ञात करना है x का, तो समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 114, जो कि समीकरण एक है, x वैसे का वैसे, y का मान अभी अभी हमने ज्ञात किया है 38 बराबर 114, तो 38 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, x बराबर 114 माइनस 38, x बराबर 14 में से 8 घटाएंगे 6, यहाँ 0 बचेगा, आंसर लेंगे 10, 10 में से 3 घटाएंगे 7, ये है 76, ये है पहली अज्ञात बारंबारता 76। तो इसी प्रकार इस प्रश्न में हमें x और y दो अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात करनी थी, x का मान है 76, y का मान है 38, यानी पहली अज्ञात बारंबारता 76 है और दूसरी अज्ञात बारंबारता है 38। तो इस प्रकार से हम अगली कड़ी में किसी और प्रश्नावलियों के प्रश्न करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में जो भी प्रश्न आप समझना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और वीडियो को लाइक करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। नमस्कार विद्यार्थियों।